हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो इंडियन जीके की हम सीरीज कर रहे थे, ये इसका पार्ट नंबर 2 है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन पे ओके कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और रिविजन करने के लिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी जिसका लिंक है प्रहलाद सारन सर के नाम से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जितना भी आपका स्कोर बनता है वो कॉमेंट करके बता देना कि कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसने सही किए आप में से, इसलिए स्कोर जरूर बता के जाना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेशन जो हम कर रहे हैं इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फायदा तभी होगा जब जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है उसका आंसर आप उसी टाइम पर याद रखिए ताकि दोबारा वही क्वेश्चन आप किसी भी टेस्ट में किसी भी परीक्षा में जब भी दोबारा वो क्वेश्चन देखें तो वो कभी भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, तभी इन टेस्ट सीरीज का ज्यादा आप फायदा उठा पाएंगे। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। और पहला क्वेश्चन है कि 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। कहां से हुआ था इसका संपादन और प्रकाशन किया गया था, कलकत्ता से। और किसके द्वारा किया गया था ये बता दीजिए, ये हुआ था मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, यानी राइट आंसर आपका 4 नंबर सही आंसर है। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, उसका एक ही ऑप्शन है 6 अगस्त 1952 को, यानी सही उत्तर आपका 2 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, कब की गई। तो स्थापना की गई थी कलकत्ता में, ठीक है। किसने की थी ये बता दीजिए, किस वर्ष की थी, 1861 के दौरान, सॉरी 1876 के दौरान की थी, 1876 के दौरान इसकी स्थापना हुई थी, कहां पर हुई थी, कलकत्ता में। और ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, इनके सहयोगी के तौर पर रहे थे आनंद मोहन जी, तो उनका भी नाम याद रखे, आनंद मोहन और सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोनों ने मिलकर 1876 में, 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ की रचना किसने की थी, आनंद मठ की रचना की थी बकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी, यानी एक नंबर आपका सही आंसर है। और ये आनंद मठ उपन्यास है और ये हुई थी रचना इसकी 1852 के दौरान, तो वो भी आप याद रख सकते हैं, एक आपका सही है। अगला है कि 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए थे। चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार के क्षेत्र में और ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह रहा था जो कि 1917 में होता है। और इसमें नॉर्मली राजकुमार शुक्ल जी ने इनको इनवाइट किया था वहां पर और साथ में थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। इसी टाइम पर महात्मा गांधी जी को इसी आंदोलन के बाद में महात्मा की उपाधि दी गई थी। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें महात्मा की उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी, कमेंट करके जरूर बता देना। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे। लाहौर अधिवेशन वैसे तो एक नहीं ज्यादा हुए हैं, लेकिन ऑप्शन के आधार पर बात करें तो ये 1929 वाला लाहौर अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी रावी नदी के तट पर और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आता है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1916 का लखनऊ अधिवेशन दो चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का समझौता हो गया था, ठीक है। दूसरा मुसलमानों के लिए अलग से जो मतदान था जो 1909 का अधिनियम आया था जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जन्म माना जाता है, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी, उसको स्वीकृति कांग्रेस ने 1916 के अधिवेशन में दी थी जो कि लखनऊ में होता है। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो की गई थी अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा, यानी बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला है कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसको सुना था। दो क्वेश्चन तो ये, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया था, गांधी जी ने, कब चलाया था 1940 में, किसको चुना था, यानी पहले सत्याग्रही कौन बने थे। पहले सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे जी, एक नंबर, यानी ये पहले बने थे, और जवाहरलाल नेहरू जी दूसरे सत्याग्रही बने थे। विनोबा भावे जी जिन्होंने एक प्रसिद्ध आंदोलन चलाया था भूदान आंदोलन, आप कमेंट करके बता दो कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन किस वर्ष से चलाया था, ये कमेंट करके जरूर बताना। अगला है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को, किसके द्वारा ये बता दीजिए, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने मनाया था, मुस्लिम लीग ने मनाया था, कब मनाया था, डेट भी पूछी जाती है, तो 16 अगस्त को 1946 में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर।
अगला कि 1893 में गणपति त्योहार किसके द्वारा, गणपति त्योहार यानी गणपति उत्सव है किसके द्वारा, तो गणपति उत्सव की शुरुआत की थी लोकमान्य तिलक जी ने की थी। कब की थी, 1893 में की थी। कहां पर की थी, महाराष्ट्र के द्वारा। उन्होंने दो समाचार पत्र भी, केसरी और मराठा समाचार पत्र आपको याद होंगे, आप कमेंट करके बता दीजिए मराठा किस भाषा में निकलता था और केसरी किस भाषा में निकलता था, कमेंट करके जरूर बताना है। अगला है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की शुरुआत हुई थी 1878 के दौरान, 67 अधिनियम इसी टाइम पर बना था और ये लॉर्ड लिटन के टाइम पर, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही उत्तर है। अगला कि 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। 1907 का अधिवेशन सूरत अधिवेशन होता है और इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस का पहली बार विभाजन होता है। विभाजन दो गुटों में हुआ था, आप दोनों गुट के नाम बता दीजिए और दोनों गुट के नेता बता दीजिए कि कौन कौन से थे। और रास बिहारी बोसी है, उन्होंने अध्यक्षता की थी, इसकी डी आपका राइट आंसर है। अगला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वॉयसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और उसमें उस टाइम पर वॉयसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, तो ये शंकर नायर जी थे, शंकर नायर जी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, यानी डी आपका सही है। अगला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना है वो किस दिन घटित हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था 1919 में, यानी 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर, ठीक है पंजाब, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सही आंसर आपका। अगला प्रश्न आता है कि गद्दर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। गद्दर एक पार्टी भी बनी थी और वहीं से समाचार पत्र का प्रकाशन होता था और ये 1913 में, पार्टी भी 1913 में बनती है और समाचार का प्रकाशन भी 1913 में होता है। पहली बार इसको उर्दू में निकाला गया था और बाद में अंग्रेजी में और पश्तो में निकाला, सबसे पहले उर्दू में, यानी एक आपका राइट आंसर है। अगला है कि भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी वो 1872 के दौरान हुई थी, आप कमेंट करके बताएंगे किसके टाइम पर हुई थी, बाद में स्थायी रूप से 1881 से। तो दो चीजें बता दो, एक तो किसके काल में पहली बार जनगणना हुई थी, सेकंड अभी जो 2021 की जनगणना होने वाली है ये कौन से नंबर वाली जनगणना रहेगी, दोनों का आंसर कॉमेंट करके बता देना। इनमें से कौन सी पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, इनमें से कौन सी पुस्तक की रचना गांधी जी ने की थी ये बता दीजिए। हिंदी व्यू ऑफ लाइफ नहीं है, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज की रचना गांधी जी ने की थी, ठीक है 1909 के दौरान हिंद स्वराज की रचना की थी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको याद है नेहरू जी की, तो बी आपका सही आंसर है। अगला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी वजह से हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था, तो इससे पहले आया था रोलेट एक्ट, ठीक है इससे पहले रोलेट एक्ट पारित हुआ था। कब हुआ था पारित, ये हुआ था 18 मार्च 1919 को, 18 मार्च 1919 को पारित हुआ और फिर 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग वाला सम्मेलन हुआ था, तो राइट आंसर आपका सी आपका सही है। अगला कि 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि किसने की थी। बसाई की संधि जो है वो मराठा पेशवा जो उस टाइम पर बालाजी राव द्वितीय, बालाजी राव द्वितीय एक्चुअल में अंतिम पेशवा भी आते हैं, तो वो भी याद रखिए ये अंतिम पेशवा भी रहे हैं। 1802 में हुआ था जो सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके दौरान, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उसी के दौरान ये संधि होती है, ठीक है बसाई की संधि। तीन युद्ध हुए थे, अंतिम जो होता है 1817-18 के दौरान होता है, वो भी आपको याद ही होगा। चलिए अगला है कि भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया था। सहायक गठबंधन की शुरुआत जो की थी वेलेसले ने की थी, लॉर्ड वेलेसले के द्वारा की गई थी, यानी बी आपका सही उत्तर है। अगला कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, ठीक है एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 अधिनियम के द्वारा, ठीक है 1813 का अधिनियम था उसमें एकाधिकार समाप्त कर दिया था। पूर्ण एकाधिकार जो समाप्त किया था वो 1833 वाले में पूर्ण रूप से एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया था, लेकिन एकाधिकार की समाप्ति की बात करते हैं वो बी 13 हो जाएगा। इसी टाइम पर ईसाई मिशनरी भी, भारत में ईसाई मिशनरी जो आई थी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, वो भी 1813 के चार्टर एक्ट के दौरान ही होता है। अगर कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी रही थी।
कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला जो आती है वो सरोजनी नायडू जी आती है, यानी राइट आंसर का एक नंबर। कब किया था ये पहली बार अध्यक्षता की थी 1925 के दौरान, और 1925 में अधिवेशन हुआ था कानपुर का अधिवेशन। ये भारतीय महिला है, पहली महिला नहीं है, पहली भारतीय महिला है। वैसे महिलाएं नहीं, वैसे ही आती है 16 की सत्रह टाइम पर जो पहली बार वो अध्यक्षता करती है। अगला है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना में मेन भूमिका रही थी लाला लाजपत राय जी की। आप कमेंट करके बताएंगे कि कहां पर स्थापना हुई थी, इसका पहला अधिवेशन कहां पर हुआ और स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये कमेंट करके जरूर आंसर दे रहा है। अगला कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी। केसरी समाचार पत्र और एक आता है मराठा समाचार पत्र, दोनों का हमने डिस्कस किया था, दोनों ही तिलक जी के थे, बाल गंगाधर तिलक जी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहां पर हुई थी ये बता दीजिए। एक तो ये कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी 1906 में, कहां पर हुई थी, ढाका में हुई थी, ठीक है, ढाका में। तो राइट आंसर आपका एक नंबर सही है। अगला कि 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान से की थी। पहले हिंदू मेला की शुरुआत किसने की थी, नवगोपाल मित्रा ने, कब 1867 में और कहां से हुई थी, कलकत्ता, क्योंकि उस टाइम पर मुख्य केंद्र जो था वो कलकत्ता ही था। तो एक आपका सही आंसर है। चलिए एक और बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है कि 1924-25 में बेकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक बेकोम सत्याग्रह 1924-25 में के किलापन ने, के किलापन जो है वो मुख्य रोल में रहे थे इसमें, डी आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। ये फरमान जारी हुआ था शुरुआती टाइम पर 1632 में, ठीक है, 500 पेगोड़ों में एक साल के लिए मुक्त व्यापार और गोलकुंडा के द्वारा किया गया था, यानी सी आपका सही है। चलिए मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण भारत पर हुआ था, वो हुआ था 1175 के दौरान। 1178 में उन्होंने गुजरात के क्षेत्र में आक्रमण किया था, और फिर 1192 और 1191 दो तराइन के युद्ध होते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में, वो भी आपको याद होंगे। तो पहली बार 1175 के दौरान होता है। कि किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल मानते हैं जहांगीर के टाइम को, ठीक है, जहांगीर जी नॉर्मली सलीम के नाम से आप जानते हैं, ठीक है, जहांगीर सलीम के नाम से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका सही आंसर है। चलिए मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। पूर्व मध्य काल में जो पहला आक्रमण होता है सक्सेस, वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है। कहां पर वो कब हुआ था, 1712 के दौरान, और पहली बार ये सिंध के क्षेत्र में किया था जहां पर दाहिर शासन कर रहे थे। और सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था वो जजिया कर भी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था इसी टाइम पर, और सबसे पहले सिंध क्षेत्र में जजिया कर लगा था 712 के दौरान। अगला कि नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है। नटराज की कांस्य मूर्ति की जो देन है वो चोल वंश के शासकों की है। चोल वंश ने दक्षिण भारत में शासन किया था, हालांकि तीनों ही चारों ही दक्षिण भारत के, चोल, चेर, पांडे और राष्ट्रकूट। तो नटराज की मूर्ति और एक स्थानीय प्रशासन, दोनों याद रखिए। एक क्वेश्चन आता है चोल वंश के शासकों की मुख्य देन क्या है, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था जो है ये, और नटराज की मूर्ति, दो मेन चीज है। अगला कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन रही थी, कौन सी मुगल बादशाह के समकालीन रही थी। अकबर की समकालीन थी, क्योंकि एलिजाबेथ का जो कार्यकाल माना जाता है ये था 1558 से लेकर 1603 के दौरान, और अकबर की जो टाइमिंग थी ये थी 1556 से लेकर 1605 के दौरान। तो समकालीन जो है वो अकबर ही रहा था। राइट आंसर का एक नंबर। अगले अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में रहे थे, और ये अकबर के दरबार में आते थे, यानी राइट आंसर का एक नंबर है। तो कितने पर्सन आपने सही किए हैं कॉमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को लाइक करना है ताकि इस तरह की डेली सीरीज हम करते रहें, और राजस्थान जी के देखना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 1000 वीडियो पहले ही बना चुका हूं मैं, वो भी डेली सीरीज होती है। रोजाना 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं, तो रोजाना आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि राजस्थान जी के और इंडिया जी के आपका कवर होता रहे। डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से ही वो टेस्ट हम करेंगे। ओके, तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिए स्पीड के साथ में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।